नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से आरक्षण के खिलाफ फैसले आते हैं, दूसरी तरफ ओबीसी के लोग जो है उन्होंने कमर कस ली है। मेरे साथ डॉक्टर सुनील कुमार हैं जो लगातार पिछले कई सालों से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी कहाँ आपको नहीं पता होगा, मेडिकल में। सरकारी नौकरियों के आरक्षण की सिर्फ बात होती है, लेकिन जो सबसे क्रीम है इंजीनियरिंग में के दाखिला, मेडिकल कॉलेज में दाखिला, ताकि आपके समाज में डॉक्टर इंजीनियर बने और आपका समाज ताकतवर हो, वहां सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश हो रही है। और उसी लड़ाई को डॉक्टर सुनील जो है वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात तो समझिए कि जो असली लड़ाई है आरक्षण की, आप ये जो आपको जो जो ये जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा पेट में दर्द होता है आरक्षण से, क्योंकि उनको पता है कि आरक्षण से आप डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, और वो चाहते हैं कि SC ST OBC उसमें ना जाए। डॉक्टर साहब, पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए। माय नेम इज सुनील कुमार, आई एम डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा एंड MBBS बोथ। बोथ, दोनों। आप आयुर्वेदा से भी हैं तो फिर आपको RSS को हाथों पर रखना चाहिए था, आयुर्वेद वाले से। आप ओबीसी से हैं? हाँ, ओबीसी से, ओबीसी समुदाय से हैं। और कब से सर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये फर्स्ट हम जब आयुर्वेद जब कंप्लीट किए, तो आयुर्वेद कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग का वैकेंसी आई RBSK की, तो उस समय हुआ कि सारा मेरिट के जो एग्जामिनेशन प्रोसीड्योर जो था उसको ख़त्म कर दिया गया और नंबर बेसिस पर सिलेक्शन का आधार रखा गया। तो आयुर्वेद में वैसे भी सीट कम रहते हैं, प्राइवेट आयुर्वेद में ज़्यादा रहते हैं और नंबर प्राइवेट में ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग ने विरोध दर्ज किया वहाँ पर, और हम लोग ने वहाँ पर बताया कि इससे रिजर्व कैटेगरी के या जो भी जो कंपटीशन फेस करके आए हैं उनको प्रॉब्लम होगी, वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पर मानी नहीं, नीतीश सरकार की वहाँ थी, मतलब बिहार में BJP गठबंधन में जो सरकार, स्वास्थ्य मंत्री BJP कोटा के, हाँ उस समय अश्विनी कुमार थे। अच्छा, आप पहले और वो नहीं माने, और फाइनली हम लोग को नंबर बेसिस पर रिजल्ट आए और हम लोग कोर्ट गए, और फिर कोर्ट गए तो वहाँ पर कोर्ट में फिर विन हुई क्योंकि एग्जामिनेशन। अभी जो आप कोर्ट जाने वाले, अभी जो लड़ाई है वो अभी किस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, तो अब मैं एक मिनट उसका ब्रीफ कर देता हूँ। तो वहाँ से हम लोग जीते, और फिर एक उस समय हमको समझ में आया कि रिजर्व कैटेगरी को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। रिजर्व कैटेगरी को पहला प्रॉब्लम हो रही है कि मेरिट को हटा कर अब क्या कर रहे हैं, लड़के जब रिजर्व कैटेगरी के पढ़ने लगे तो मेरिट को हटाकर अब नंबर बेसिस पर सिलेक्शन का प्रोसीड्योर रखने लगे, ताकि अपने लड़के को ज़्यादा नंबर दें और उसको सिलेक्ट करें। फिर उस समय हमने काफ़ी लेट हुआ जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया में, तो हमने फिर MBBS ज्वाइन कर लिया, मेरा चयन भी हो गया था नंबर बेसिस पर भी, फिर एग्जामिनेशन भी दिए हम, लड़े कोर्ट में और हम कोर्ट से जीते। बहुत सारे रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज के थे वो छट गए थे, तो फिर हम कोर्ट से जीतने के बाद फाइनली हमने एग्जाम भी दिया, क्योंकि हम ही एग्जाम करवाए थे। तो फिर MBBS में हम जब आए तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि पॉलिसी जो कंपनसेशन पॉलिसी था, एक्चुअली में रिजर्वेशन देने का प्रोसीड्योर जो था, जो पॉलिसी था, उसको एक नाम दिया गया बिहार में कंपनसिएशन, कि दैट मीन्स अगर आम किसी का आम के जगह पर अमरूद से कंपनसेट करना, जिसको जो ऊपर मोस्ट अपर मोस्ट कॉलेज मिलना चाहिए था मेडिकल कॉलेज, उसको लोअर मोस्ट कॉलेज से कंपनसेट करता था रिजर्व कैटेगरी को। और उसने क्या किया कि फाइनली इसीलिए होता था क्या कि लोअर मोस्ट जैसे गया में और एनाटोमी फिजियोलॉजी PG के कोर्स में ये सारे रिजर्व कैटेगरी के बच्चे थे, और उसी को दिखाकर वो लोग कोर्ट में गए और सिंगल बेंच के जजमेंट एक लिए, और उस पर डबल बेंच का, और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 बेंच या 3 बेंच का जो जजमेंट था उसको एक डबल बेंच हाई कोर्ट जजमेंट क्वैश कर दिया, और फिर वहाँ से कंपनसेशन की लड़ाई शुरू हुई। और फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आने के बाद सरकार को नोटिस गया, सरकार नोटिस का जवाब नहीं दी, और अपना वो सेल्फ रिजर्व जनरल कैटेगरी के विरोध में फाइट किया और वहाँ पर अपना केस हारी, और केस हारने के बाद वो हम लोग के केस में उसी केस को जो काउंटर में लगा दी, जिसके चलते हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए। फिर फर्दर हम लोग हाई कोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच तक जीते, और जीतने के बाद जब कोर्ट ऑफ तब पर भी सरकार नहीं लागू की तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए, फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में हम लोग का फिर से रीगेन हुआ कंपनसेशन पॉलिसी। लेकिन सरकार फिर क्या की कि हमारे वर्ग के लड़के पर
लागू करने के बाद भी हमारे वर्ग के लड़के पर FIR दर्ज करवाई जबरदस्ती, उसका जांच नहीं की, और फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट वो आई, और सुप्रीम कोर्ट में आई तो हम लोग फिर फर्दर जीते वहां पर, और कंपनसेशन प्रोसेस अब जो है वहां पर हाई पटना मतलब कि बिहार में लागू हो चुका है। अब अभी फिलहाल जो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जब हमने पीजी के लिए अब एग्जाम देने शुरू किया तो अब जो प्रॉब्लम आ रही है कि 27% जो रिजर्वेशन है जो पूरे इंडिया में ओबीसी समाज को मिलना चाहिए था, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में तो है, दो चार कॉलेजेज है सेंट्रल कॉलेज का उसमें है, बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करीब करीब 500 के करीब कॉलेज, 300 कॉलेजेज है, वहां पर जीरो है, जबकि EWS और SC ST बोथ दोनों का है। तो ओबीसी समाज को इससे 2 से 3 हजार जो स्टूडेंट है वो पीजी करने से, तो ओबीसी को ये आरक्षण SC ST नहीं देने दे रहा है कि जनरल वाले नहीं दे रहे हैं? ST ST जो है वो अपना रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से लड़कर 2008 में लिए, पहले उनको भी नहीं था, उनको भी नहीं था, उनको भी नहीं दिया जा रहा था, और जबकि 50% ये सीट राज्य से लेती है केंद्र सरकार, उसमें तो लड़े ना अपना ओबीसी के लोग क्या कर रहे हैं, ओबीसी के लोग समाज छोड़ दिए थे, और फर्दर अब हम लोग को बेड़ा उठाना पड़ रहा है, और आज स्थिति ऐसा है कि हम लोग नेता लोग से भी अप्रोच किए, सब लोग से भी, तो ओबीसी के आदमी को तो सुने मंदिर में भी जगह नहीं दे रहा है, बीजेपी ट्रस्ट बना रहा है, उधर आरक्षण भी नहीं दे रहा है, अब क्या कीजिएगा? ओबीसी के लोग को आरक्षण नहीं दे रहा या ट्रस्ट में जो जा रहे हैं उनका सबसे बड़ी बात है कि महत्वाकांक्षा इन लोग में बहुत ज्यादा है, जातिगत महत्वाकांक्षा, सब लोग चाहता है कि नेता बने, सब लोग चाहता है कर्म प्रधान नहीं हो गए, बस स्लो SC समुदाय में है कि वो कर्म आप करते हैं और अपना अधिकार लेने के प्रति उनका, तो आप लोग की लड़ाई SC समाज से या जनरल जो आरक्षण नहीं दे रहा है? नहीं, पूरी तरह से जनरल समुदाय से है, जनरल समुदाय से क्या, गवर्नमेंट से है जो मनुवादी प्रवृत्ति से, जनरल से भी नहीं है, जनरल तो अपना ले लिए है, हम लोग का जो गवर्नमेंट मनुवादी पर जो व्यवस्था कायम करना चाहती है वो समझ रही है कि बस ओबीसी समाज को पहले दबा दें, SC का तो कोई यथी नहीं है और ST का तो ऑलरेडी जो हो ही रहा है। तो ओबीसी के लिए आप लोग कितने डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हुए ओबीसी के जो आंदोलन? अभी हम लोग के साथ आंदोलन में करीब करीब ओबीसी के पूरे अगर बिहार में माने तो 300 से 400 लड़के हैं जो कि एक्टिव रूप से हर कॉलेज में है, और हजारों ऐसे हैं जैसे जुड़े हुए हैं हम लोग से, और फिर पूरे इंडिया में अभी जुड़े हुए हैं, कर्नाटका केरल अभी तमिलनाडु में एक फाइल भी किया गया है, आंध्र प्रदेश में भी फाइल किया गया है, वो लोग हम लोग को भेजे हैं, कंसल्ट भी किए हैं, तो ये एक पूरे देश भर का व्यवस्था है। और ओबीसी जागरूकता वो विषय है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अभी आरक्षण को लेकर, क्या आपका अधिकार नहीं, आपको लगता है कुछ उम्मीदें हैं? निश्चित हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक चीज तो हम देखे हैं कि जहां तक हमारा फीलिंग है कि सरकार ही बहुत सारे चीज को जो होती है जानबूझ के केस को हराती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जब आए थे वहां पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ही हमको हराने का काम की थी, और फिर बाद में हम लोग जीते, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकारी वकील और सरकारी तंत्र और जज जो भी हो ये जाति की वजह से एक प्रभावित होता है। पैसा देने के बाद भी सवर्ण वकील आरक्षण के पक्ष में केस नहीं लड़ता है ठीक से, ऐसा भी अनुभव रहा है आपको? कुछ ऐसा लगता है कि जहां पर डिस्क्रिमिनेटिव होती है, इसमें कोई शक नहीं है, वकील भी जो होते हैं जो हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी तो आप देखते आए हैं, कभी कभी होते हैं कि जैसे पैसा भी ज़्यादा दिए वहां पर सही ढंग से लड़ा भी नहीं जाए। तो ये है इस देश में जातिवाद, इसीलिए मैं कहता हूँ जाति जो है वो लेकिन गांव में नहीं है, व्यवस्था तो वही है, वहीं पर लड़ना है, वहीं से हक लेना है, हक मिलता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए, आपकी हिम्मत को तारीफ करता हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ ये भी RSS का सबूफा है कि OBC खड़ा नहीं हो रहा है, हजारों लाखों OBC खड़ा हो रहा है, और SC ST OBC माइनॉरिटी ही एक नेचुरल अलायंस है, इसी को एक साथ आना पड़ेगा, और इसी को जातिवाद कहते हैं। आजकल जातिवाद गांव से उठ के जो नौकरी चाकरी पावर सेंटर, इसलिए मैं कहता हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी मीडिया मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज IAS IPS में घुस गया है, और SC ST OBC माइनॉरिटी को वहाँ वो नहीं देखना चाहते हैं, और उसी के लिए वो NRCCA NPA का सगुफा छोड़ते रहते हैं। जब तक आप डॉक्टर अम्बेडकर फुले परियार कांसीराम साहब को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बहुजन आंदोलन को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तेजी से OBC के लोग जो हैं वो आंदोलन में जुड़ रहे हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी से जो अभी PG का है, कब के PG UG
और इंजीनियरिंग, ये सब मिलाकर 10,000 के करीब बच्चे जो होंगे ओबीसी के वंचित होंगे पूरे इंडिया में। ओबीसी के हाँ ओबीसी एक साल में 10,000, एक सेशन में, प्रत्येक प्रत्येक साल, प्रत्येक प्रत्येक, मतलब हर सेशन में। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पीजी में ही अकेला 2,000 के करीब सीटें से तो वंचित सोचिए, होते आप हैं। अपने बच्चे को मजदूर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के साथ आपको आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।